कभी हेल्थ की प्रॉब्लम, तो कभी पैसों की प्रॉब्लम, कभी कोई इमोशनल इशू, कभी कोई अदर इशू, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा, या कभी कुछ और प्रॉब्लम। जब देखो तब लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती ही रहती है। बस ऐसे ही ख्याल आया एक व्यक्ति को जो वास्तव में अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। उसे ऐसा लगता था कि उसकी लाइफ में सिवाय प्रॉब्लम्स के और कुछ बचा ही नहीं है। थका हारा हुआ निराश, आखिर वो एक दिन ढूंढते ढूंढते पहुंचा एक बहुत ही बड़े संत के पास, जिसके बारे में उसने ऐसा सुन रखा था कि उनके पास इस दुनिया की हर समस्या का समाधान है। तो उसने सोचा कि अगर ये इतने बड़े प्राप्त पुरुष हैं, इतने बड़े संत हैं, तो हो सकता है मेरे जीवन की भी कुछ समस्याएं तो इनके पास जाके सुलझ जाए। वो भागा भागा पहुंचा उन संत जी के पास और उनसे जाकर पूछा कि हे प्रभु, मैं अपने जीवन से पूरी तरह से त्रस्त हो चुका हूं। मेरे जीवन में इतनी समस्याएं हैं, अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, भावनात्मक समस्याएं हैं, पैसों से जुड़ी समस्याएं हैं, ना मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है, ना मेरे घर में मेरे परिवार के सदस्यों के साथ मेरे रिश्ते ठीक हैं। यदि सब कुछ वो ठीक चलता है तो मेरे वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है, और अगर ये सब भी ठीक चलता है तो कोई नई तरह की समस्या आ जाती है। तो यदि आप वाकई में इतने बड़े संत हैं, इतने सिद्ध पुरुष हैं, तो मुझे कोई एक ऐसा समाधान बता दीजिए जिससे ये सारी की सारी समस्याओं का मैं अंत कर सकूं और अपने जीवन को चैन से जी सकूं, और नहीं तो इस जीवन को अंत करने का तो मैंने सोच ही लिया है। संत ने उसकी बातों को बड़े ही गौर से सुना, मुस्कुराए और बोले कि जब जीवन का अंत करने का निर्णय तुमने ले ही लिया है, एक रात और रुक जाओ, आज मैं तुमको एक उपाय बताता हूं। वो उपाय करके देखो, यदि उससे तुम्हारी समस्याओं का अंत हो जाए तो फिर तुम्हें जीवन का अंत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी ये जीवन जो है वो एक अनमोल, बहुत ही अनमोल उपहार है जो ईश्वर के द्वारा तुमको दिया गया है। व्यक्ति ने सोचा कि अब इतना तो झेल ही लिया है, एक रात और सही, हो सकता है कोई उपाय इनका काम कर जाए। व्यक्ति मान गया। उसने पूछा कि मुझे क्या करना होगा। संत ने उन्हें बताया कि आज की रात मेरे आश्रम के ठीक सामने एक कमरा बना हुआ है और वहां तुम्हें जाना होगा। मैं तुम्हें जैसा निर्देश देता हूं वो तुम्हें करना होगा, और सुबह मेरे पास आना होगा उस काम को करके। उसके बाद हम बात करेंगे कि तुम्हारी समस्याओं का क्या हुआ। व्यक्ति मान गया। उसने भोजन वगैरह किया आश्रम में और फिर रात को पहुंच गया संत के पास कि आगे का क्या निर्देश है बताएं मुझे। संत बोले कि उस कमरे में चले जाओ और वहां जाओगे तो तुम्हें अलग अलग ऊंट मिलेंगे, बहुत सारे ऊंट। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, उन सारे के सारे ऊंटों को सुला कर यहाँ पर आ जाना है, और जब वो सब सो जाएं तो तुम एक बार देख लेना और मुझे आके बता देना। जैसे ही सारे ऊंट सो जाएंगे ना, तो तुम्हारी समस्याएं जीवन की खत्म हो जाएंगी। व्यक्ति को सुनकर बड़ा ही अजीब और ये ऐसा उपाय लगा कि इससे आखिर क्या होगा मेरे जीवन की समस्याओं का। पर उसने सोचा कि मैं तो अपनी सारी तरकीब लगाकर हार ही चुका हूं, तो क्यों ना ये अजीब सा उपाय भी एक बार करके देख लिया जाए, शायद कोई हल निकल जाए। व्यक्ति गया कहे अनुसार। उसने देखा तो उस कमरे में अलग अलग आकार के ऊंट थे, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मोटा, कोई पतला, कोई खड़ा हुआ था, कोई बैठा हुआ था। तो अब वो लग गया अपने काम में, क्योंकि उसको जो काम मिला था वो ये था कि उन सब ऊंटों को बिठाकर उनको सुलाना है। तो अब उसने ये देखा कि जैसे वो एक दो को सुलाता तो दूसरा उठ जाता, खड़ा हो जाता, उसको सुलाने जाता तो फिर वो पहला वाला उठ जाता, दोनों सो जाते तो तीसरा उठ जाता, और कोई तो अपने आप ही सो गया, किसी को उसे सुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, और कोई आखिरी में माना ही नहीं, कोई उठ तो बैठा ही नहीं, सोया ही नहीं। फिर ऐसा करते करते लगभग रात के 3-4 बज गए और वो थका हारा निराश होकर उसने आखिरी बार उस कमरे की तरफ देखा, तो उसने ये देखा कि कुछ ऊंट जिसको उसने सुलाने का या बैठाने का प्रयास ही नहीं किया, वो अपने आप बैठ के सो चुके थे, और कुछ ऐसे थे जिनके पीछे वो बहुत ज्यादा पड़ा रहा, तब तो वो नहीं सोए, पर जब उसने उनको बिठाना बंद कर दिया, उनके पीछे पड़ना छोड़ दिया, वो अपने आप बैठ गए और सो गए।
कुछ ऐसे थे जो बड़ी आसानी से सो गए थे पर उस समय तक वो फिर जाग चुके थे। तो कुल मिला के उसे लगा कि इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं और ज्यादा करने का है भी नहीं, खासतौर पर जब उसने ये देखा कि कुछ ऐसे भी ऊंट है जिसको उसने सुलाने का प्रयास नहीं किया पर वो अपने आप सो गए। तो उसको लगा कि बस अब ये तो जीवन का अंत ही है, एक बार जाके बता देता हूँ संत जी को, हुआ तो कुछ है ही नहीं और मुझे समझ में भी नहीं आया कि ये क्या कराया गया मुझसे, पर जाके बता देता हूँ कि भाई मैंने तो जो काम था वो कर दिया, अब आप बताइए कि आगे का क्या। वो गया संत के पास, बोले कि जो मैंने काम दिया था तुमने किया? व्यक्ति ने बोला हाँ बहुत प्रयास किया मैंने करने का पर मैं पूरे ऊंट तो नहीं सुला पाया, हाँ कुछ को जरूर सुलाया हूँ। तो संत बोले अरे लगभग 8-10 को तो सुलाया होगा, 30-40 में से। बोले नहीं नहीं इससे ज्यादा सुलाया हो, लगभग 20-25 तो सो गए हैं और कुछ उसमें से ऐसे जो सोए थे फिर उठ गए और अब शायद हो सकता सो भी गए हो, क्योंकि कुछ ऐसे भी थे जिनको मैंने नहीं सुलाया और वो सो गए। तो संत जी ने कहा कि बस यही तो समाधान है सारी समस्याओं का। तो व्यक्ति बड़ी अचरज भरी निगाहों से संत को देखने लग गया, उसे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये मतलब किस तरीके से क्या समाधान हो सकता है। संत बोले देखो यदि मानव जीवन तुम्हें मिला है ना, तो सबसे पहले तो ये स्वीकारना होगा कि जीवन जो है उसमें एक ना एक प्रकार की समस्या तो हमेशा, या उसे समस्या कह लो या और अगर उसे बेहतर ढंग से उससे तुम्हें डील करना है तो उसे चैलेंज या चुनौती बोलना सीखो, तो एक ना एक प्रकार की चुनौती तो जीवन में होगी, चाहे वो भावनात्मक हो या वो मानसिक हो या वो शारीरिक हो या वो आर्थिक हो या कोई और। और ये जो समस्याएं है ना, ये अलग अलग प्रकार की, या चैलेंजेस या चुनौती जिनको हम बोले, ये अलग अलग प्रकार के ऊंटों के समान है। जैसे तुम देख कर आए ना वहां पर, कोई छोटा कोई बड़ा कोई मोटा कोई पतला, तो देखो कुछ ऊंट ऐसे होंगे जो बिना तुम्हारे कुछ केस हो गए, तो मतलब कुछ समस्याएं एक्चुअल में जीवन में ऐसी होती हैं जिन पे हमें वाकई में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप प्रकट होती है और अपने आप उनका समाधान हो जाता है। यदि तुम देखोगे जीवन में पीछे मुड़कर तो ऐसी बहुत सारी तुमको अनुभव मिलेंगे जहां समस्याएं आई और अपने आप खत्म हो गई। कुछ समस्याएं उन ऊंटों की जैसी होती हैं जिनके तुम पीछे लगातार लगे रहते हो और तुम्हें दिन रात वो परेशान करके रख देती हैं, दिन रात तुम मानसिक रूप से परेशान होते हो पर उनको उनका समाधान नहीं कर सकते। ऐसी समस्याओं को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उनको अपना लेना चाहिए कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, हमारे नियंत्रण के बाहर हैं। तो जो चीजें हमारे नियंत्रण के बाहर है ना, उनको छोड़ दो, एज इट इज छोड़ दो, जब उनका समय आएगा वो अपने आप खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ऐसी तो वाकई में कोई समस्या आज तक बनी ही नहीं जिसका खत्म होना तय ना। फिर उसी प्रकार कुछ समस्याएं ऐसी होंगी जो थोड़ी देर के लिए जाती हैं और फिर जीवन में आ जाती है, जैसे कुछ ऊंट ऐसे होंगे जो थोड़ी देर के लिए सोए और फिर उठ गए। तो इस प्रकार की विभिन्न विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो है चलती रहती है, पर कोई भी परमानेंट होता नहीं है। वो समस्याएं हमारे लिए प्रॉब्लम तब बन जाती हैं जब हम उसमें सफर करने लग जाते हैं, क्योंकि वो पेन तो हमको देती है, दर्द तो हमको देती है, पर हमको परेशान होना है कि नहीं होना है ये हमारी चॉइस होती है। तो यदि तुमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हर समस्या को उतना तवज्जो देने की ही जरूरत नहीं है, और जो समस्याएं तुम्हारे नियंत्रण में हैं उनको जाओ सॉल्व कर लो, जो नहीं है उनके बारे में सोचना छोड़ दो और कुछ के बारे में सोचो ही मत, वो जैसे आई है वो वैसे खत्म हो जाएंगी। यदि ये दृष्टिकोण जीवन के प्रति अपना लिया तो निश्चित जीवन की सारी समस्याएं आज से खत्म है, और नहीं तो जाओ जीवन का अंत कर लो और फिर तुम नहीं तुम्हारे परिवार के लिए एक नई समस्या। उस दिन व्यक्ति को वाकई में लगा जब उसने अपने जीवन की पुस्तक को फिर से टटोला, अपने पुराने अनुभव उसने याद किए, तो उसे समझ में आया कि हाँ यार वाकई में जीवन में बहुत सारी समस्याएं ऐसी थी जो कब आई कब गई मुझे पता नहीं चला। ऑल्दो रोज एक नई समस्या रही जीवन में, लेकिन हर समस्या को इतनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं थी। तो बस जीवन भी ऐसा ही है दोस्तों, हम भी शायद उस व्यक्ति की तरह कई बार सोचते हैं, कई बार हताश होते हैं, निराश होते हैं, और ऐसा करने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आशा ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। इसके पार्ट 2 में हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। टिल देन स्वाति वाजपेयी साइनिंग ऑफ।